जय हिंद फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में तो आज आपके लिए आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स रिक्रूमेंट 2022 का रिजल्ट लेकर के आया हूँ जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन का है पोस्ट यहाँ थी मटेरियल असिस्टेंट और एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 11 दिसंबर को ठीक है अलग अलग एग्जाम सेंटर में जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी और यहाँ पर ट्वेंटी वैकेंसी जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजल्ट थी अभी बीस वैकेंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी का हो जाएगा इसमें अब जिनका अच्छा मार्क्स रहा होगा रिटर्न एग्जामिनेशन उनको यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया गया है अगर ये इंडेक्स नंबर की जगह पे नाम होता और गेम लिखा होता या नाम लिखा भी होता तो मैं आपको उसकी अचीवमेंट एक करंट मतलब क्या अचीवमेंट है उसकी वो एग्जैक्टली बता सकता था अब ये नंबर रहने की वजह से इंडेक्स नंबर की वजह से मैं ना मतलब क्लियर की जानकारी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो यहाँ देखिए ई डब्ल्यू एस में तीन सेलेक्ट किए गए स्पोर्ट पर्सन से ठीक है ये एम यानी मेरीटोरियल स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो ई डब्ल्यू एस में इन्होंने तीन वैकेंसी फिल की है और ये जो रेड कलर किया है मैंने ये मैंने खुद से एडिट किया है ऑफिशियली एडिट होकर नहीं आएगा ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने उसको एडिट कर रखा है ये ई डब्ल्यू एस में उन्होंने तीन वैकेंसी फ़िल की है अब नीचे में आएंगे हम ओ में देखेंगे ओ में कितनी ली है तो यहाँ ओ में देखिए यहाँ पर उन्होंने चार वैकेंसी ली है एक दो तीन ये चार ओ में चार फील की गई है ठीक है ओ ये देखो यहाँ पर लिखा है ए ओ सी ज़ीरो वन एम ए बी सी एम एस पी सी ओ ए डी क्या होता है सेंट्रल एम्यूनेशन डेपो कानपुर ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में अब नीचे में आएंगे हम तो ये है एस कैटेगरी में अब एस कैटेगरी में तीन फील किए गए ठीक है मतलब ई में तीन थे ओ में चार और एस में लिए एस सी के इसमें तीन यानी कि यहाँ पर टेन वैकेंसी फिल हुई अभी एस के लिए तीन उन्होंने फिल किया गया है और आप देखेंगे हम यहाँ पे एस कैंडिडेट में उन्होंने कोई वैकेंसी फिल नहीं की है स्पोर्ट कोटा से अब यहाँ डायरेक्ट हम यू आर में देखेंगे ठीक है यू आर में उन्होंने पूरे टेन वैकेंसी फिल की एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है ये दस और ऊपर के दस जो कि पूरी ट्वेंटी वैकेंसी फिल हुई है अब मुझे ये पता नहीं कि ये जिनका सिलेक्शन हुआ है ये किस लेवल का प्लेयर है डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है जोनल है नेशनल है इंटरनेशनल है अभी तक तो अपने ग्रुप से किसी का मैसेज नहीं आया मुझे कि सर मेरा इस रोल नंबर ये इसमें मेरा रोल नंबर है ऐसा कोई मुझे मैसेज नहीं आया अगर किसी का इसमें रोल नंबर सेलेक्ट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका अचीवमेंट ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो हमारे व्यूअर्स है उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आप स्टेट से सेलेक्ट हुए या डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई प्लेयर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से सेलेक्ट भी हो जाता है तो जब आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हो तो तब आपका चांस दो है वहाँ से डिसकॉलीफ़िकेशन का बन जाता है क्यों क्योंकि देखो ये सीट जो होती है फॉर्म नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव के लिए होती है अगर आप डिस्ट्रिक्ट का मेडल लेकर के यहाँ फॉर्म लगाए मतलब फॉर्म फिल किए हो और आपका गलती से नाम आ भी गया तो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर में कि ये वैकेंसी फिल करने के लिए आपको वो फॉर्म नंबर जो भी है आपने खेला है तो इसका रूल ही ये है कि इसमें एक तो नेशनल पार्टिसिपेशन चाहिए स्कूल नेशनल पार्टिसिपेशन चाहिए नेशनल पार्टिसिपेशन चाहिए उसके अबाव चाहिए ठीक है नेशनल से नीचे नहीं चलेगा यहाँ पर मैं तब आपका जो है डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाओगे फाइनल डॉक्यूमेंट में और ये प्योरली प्रोविजनल है ऐसा नहीं है यहाँ पे नीचे में खुद लिखा है ठीक है कि ये प्रोविजनल है देखो यहाँ पर मैं लिखा है द अबाव रिजल्ट आर प्योरली प्रोविजनल नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट यहाँ पर मतलब मेंशन किया गया उन्होंने अच्छे से तो इसमें क्या होता है फॉर्म नंबर आप जैसे जाओगे तो आपको बोलेंगे फॉर्म नंबर टू लाओ अब मान लो मेरा नाम आ गया इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट से खेला है तो मैं फॉर्म नंबर टू मेरे को कोई फिल करके देंगे ही नहीं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म नंबर टू होता ही नहीं है अगर आपने गलती से फिल करा के भी ले लिया तो वो फॉर्म form फॉर्मेट में खुद लिखा होता है रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड ऑपटेंड पार्टिसिपेशन या मेडल ऐसा लिख कर के देना होता है अब जिसने लिख कर दिया वो उसके ऊपर इंक्वायरी होंगी तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट का प्लेयर यहाँ पे नहीं हो पाता है बाद में फ़ाइनल रिजल्ट फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसमें बाहर करके जो नीचे के होते हैं जो प्रॉपर प्लेयर होता है इसके लिए जो सूटेबल प्लेयर होता है वही सिलेक्ट होता है यहाँ पर मैं अब देखेंगे आगे क्या इसका प्रोसीजर है इसके आगे में कोई अपडेट है तो मैं ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा अगर जिनका इसमें सेलेक्शन नहीं हुआ है अभी ए ने जो है ग्रुप सी के लिए नया वैकेंसी निकाला जिसमें ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए तो वो आपको आई बटन में भी दिखेगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका तो वहाँ से जाकर के आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो उसमें भी जो है काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स की वैकेंसी पर वो रिटर्न एग्जामिनेशन बेस पे ही होता है जो कुछ होता है मेरिट बनता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने उसको डाल रखा है देखिए यहाँ पर मैं है ठीक जैसा कि सिक्सटी जो है इसमें एटी नाइन एटी नाइन वेकेंसी रिजर्वड है ट्रेडमैन मेट और फायर मैन के लिए टोटल यहाँ पे वन सेवन नाइन थ्री वेकेंसी है जिसमें से आपको अलग अलग इसमें जो है ये वैकेंसी इन्होंने डिवाइड की है देखो यहाँ पर मैं लिखा है पूरा अच्छे से फायरमैन के लिए ट्वेंटी सेवन वेकेंसी है और ट्रेडमैन मेट के लिए जो है सिक्सटी टू वैकेंसी है टोटल ये इतनी वैकेंसी है तो इसकी लास्ट डेट ट्वेंटी सिक्स फेब है अभी भी इसकी लास्ट डेट है जिनका मटेरियल असिस्टेंट में नहीं हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए ताकि प्रॉपर प्लेयर भरती हो आप जो है स्पोर्ट्स का है तो आप एकदम ढीली तरह से चलो फॉर्म भर दिया चले गए एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा नहीं उसकी पढ़ाई भी करिए ताकि क्योंकि ये देखो ये रिटर्न एग्जामिनेशन है एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पे ही मेरिट बनता है सिर्फ इतना है कि वो वैकेंसी फिल होती है उसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन का ही कॉम्पिटिशन होता है तो आप जो है थोड़ी बहुत एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए ताकि आपका मेरिट में नाम आए आपको अच्छे मार्क्स मिले ठीक है अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग मैं वीडियो मिलूंगा मैं आपको इसी तरह एक नए वीडियो के साथ में